காமன்வெல்த் விளையாட்டுகள் நடந்த இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்காக திறந்துவிடப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் வந்து இங்கு பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர். டெல்லியில் கடந்த 2010 நடந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்காக 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக செலவழித்து பல ஸ்டேடியங்கள் சர்வதேச தரத்தில் உருவாக்கப்பட்டன. அதில் ஒன்று இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியம். நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உள் விளையாட்டு அரங்கமான இந்த ஸ்டேடியம் இப்போது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அரங்கில் வாருங்கள் விளையாடுங்கள் என்ற பெயரில் ஜிம்னாஸ்டிக் முகாமை மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அஜய் மாக்கேன் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், வாருங்கள் விளையாடுங்கள் திட்டத்தின் கீழ் 15,000 மாணவ மாணவிகள் இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியத்தில் வந்து விளையாடுவதற்காக பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார். அப்பிரத்யாஷித் ரூப் சே அச்சா ரெஸ்பான்ஸ் மில் ரஹா ஹை. லக்பக் 10,000 से 12,000 பச்சே அபி தக் யஹான் பே ஆ கயே ஹை. हम लोगों का फोकस क्रिकेट से बाहर निकल करके दूसरी गेम्स के ऊपर है. आप देखें कि जिम्नास्टिक्स में इतने काफ़ी सारे बच्चे आए हैं. हमारी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पर इन हॉल्स का हम लोग यूज़ कर सकें, हमको गेम्स के लिए करना चाहिए. मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को कहा है कि इवन कॉरिडोर्स भी जो हमारे स्टेडियाज के हैं, उन कॉरिडोर्स को भी आप पता करें कि उन कॉरिडोर्स में भी क्या हम टेबल टेनिस के टेबल्स लगा करके खेल सकते हैं, क्या उन कॉरिडोर्स में भी हम गद्दे बिछा करके क्या वहाँ पे जिम्नास्टिक्स में या हम लोग रेसलिंग में या कोई और गेम्स की वहाँ पर हम प्रैक्टिस करा सकते हैं. तो मैं इन सब स्टेडियाज के एक एक इंच को हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर गेम्स में किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे बच्चे आ करके खेलें. ये एक स्टेप है. इसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्हीं स्टेडियाज के अंदर बनाना हम लोगों का सेकेंड स्टेप है. और साथ में तीसरा स्टेप इन स्टेडियाज के अंदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कराना है. तो ये तीनों चीज़ें हम लोग करेंगे तभी हम लोग इन स्टेडियाज का इतना पैसा खर्च करने के बाद में बेस्ट हम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे. लेकिन एक चीज़ मुझे जान करके खुशी है कि इन स्टेडियाज को बने हुए 1982 में ये स्टेडियाज एशियन गेम्स में बने थे. आज मैं समझता हूँ पहली बार, बेशक 30 साल इसमें लगभग लगे, 30 साल के बाद कम से कम इन स्टेडियाज के अंदर आज बच्चों को हम बुला करके इनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम और तेजी से आगे हम लेकर के जाएं. இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியத்தை பொதுமக்களுக்கு திறந்துவிட்டுள்ளதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகளின் விளையாட்டு திறன் மேம்பட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.